राष्ट्रपिता ने भी की थी हिंदुओं के हित में पैरवी। मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद को राष्ट्रपिता ने बताया था गुलामी। तो क्या अब महात्मा गांधी की बात पर बढ़ेगा विवाद? देश में मंदिर मस्जिद को लेकर छिड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अयोध्या के बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद में अभी हाल ही में जो सर्वे हुआ, उस 3 दिन के सर्वे में 16 मई को मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, जिसके बाद सर्वे टीम ने पूरी रिपोर्ट अदालत को सौंप कर उस जगह को सील कर दिया है। लेकिन अब इस पर तरह तरह के तर्क वितर्क देखने को मिल रहे हैं। मुस्लिम पक्ष सीधा इस कार्रवाई के विरोध में आकर खड़ा हो गया है। कथित शिवलिंग को फव्वारा साबित करने के लिए हालांकि कई तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते दिख रहे हैं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। हालांकि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी ज्ञानवापी मस्जिद में हो रही जांच को सही ठहराया है। और इसके बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व DGP कुछ ऐसा लेकर आए हैं, इससे यकीनन मुस्लिम पक्ष को परेशानी होगी। वो तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कहे गए शब्दों की एक पेपर की कटिंग लेकर आए हैं तारीख के साथ। जी हाँ, जिस अखबार की ये कटिंग है उस अखबार का नाम सेवा समर्पण है, जिसकी टैगलाइन है हम राष्ट्र के प्रति सजग रहें। और इस अखबार की कटिंग में कोट करके जो लिखा गया है वो ये कि मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें गुलामी के चिन्ह हैं, बाय महात्मा गांधी। बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने महात्मा गांधी के इस कोट की अखबार की कटिंग को साझा करते हुए लिखा, 27/7/1937 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल मुसलमानों के कब्जे में हैं उन्हें हिंदुओं, और जो मुसलमानों के धार्मिक स्थल हिंदुओं के कब्जे में हैं उन्हें मुसलमानों को सौंप देना चाहिए। हालांकि अब इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ सकती है, बल्कि बहस छिड़ भी गई है बीजेपी सांसद ब्रजलाल के ट्वीट पर। किशनलाल भाटी नाम के यूजर ने लिखा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अब नहीं रहे, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी को आगे आकर ये कहना चाहिए कि जितने भी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं उनको हिंदुओं को दे देनी चाहिए। अगर उनके राहुल गांधी जी करते हैं एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। रविंद्र बनलोट ने बीजेपी सांसद से ही सवाल कर डाला, पूछा कि सर मुसलमानों के कौन से धार्मिक स्थल हिंदुओं के कब्जे में है जो हमने जबरन कब्जा किया? मुझे लगता है तुष्टिकरण की नींव यहीं से तो नहीं रखी गई। एक और यूजर ने लिखा, गांधी जी की बात मानता कौन है, भारत में लोग अब केवल चाइनीज गांधी को जानते हैं। दीपक कुमार वर्मा ने लिखा, हिंदू तो सदियों से अपने घर में थे और हैं, तो कब्जे की बात गलत है। कृष्णा ठाकुर ने लिखा, ये लोग केवल कहने के लिए ही गांधीवादी विचारधारा के हैं, अंदर से सभी गोडसे ही हैं। यकीन ना हो तो पिछले उदाहरण देखिए या किसी गांधीवादी चमचे को एक झापड़ लगाकर दिखाइए, उसका गोडसे तुरंत बाहर निकल आएगा। तो कुछ इस तरह से बीजेपी सांसद ब्रजलाल के महात्मा गांधी के कोट की गई कटिंग को साझा किए गए ट्वीट पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक तरह से राहुल गांधी पर ही हमला बोल रहे हैं। आपको बता दें, जमीयत उलेमाए हिंद का जो देवबंद में सम्मेलन चल रहा है उसमें साफ तौर पर यह प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि मुस्लिम ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह का दावा नहीं छोड़ेंगे। वहीं इस प्रस्ताव का दारुल उलूम के नायब मुहतमिम मुफ्ती राशिद आजमी समेत संगठनों ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव को पेश करते हुए हाफिज उबैद उल्लाह बनारसी ने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद और ऐतिहासिक ईदगाह समेत दूसरी इबादत गाहों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इबादत गाहों पर कहा गया कि देश की आजादी में जमीयत का अहम योगदान रहा है। जिस समय देश पर अंग्रेज काबिज हुए उस समय लग रहा था कि अंग्रेज सभी इबादत गाहों को खत्म कर देंगे, लेकिन ना तो उस समय इबादत गाहों का कुछ बिगड़ सका और ना ही आज धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचेगा। कुल मिलाकर अगर हिंदू पक्ष मस्जिद में शिवलिंग मिलने पर झूम रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी ठान लिया है कि वो अपनी इबादत गाहों का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे। ऐसे में बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कोट वाला जो पेपर कटिंग साझा किया है उससे किसी पर क्या असर पड़ने वाला है वो देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा। वैसे महात्मा गांधी के उस 1937 के कोट को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।